भारत की बात की शुरुआत महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी इस समय की बहुत बड़ी खबर से करेंगे। शिवसेना के बागी नेता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात की है, बड़ी खबर इस समय की। इससे पहले उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे से भी एकनाथ शिंदे ने बात की है। बड़ी खबर यह भी है कि शिंदे ने वापसी के लिए बीजेपी के साथ आने की शर्त रख दी है, यानी शिवसेना एक बार फिर से बीजेपी का हाथ थामे, उसके बाद ही एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ शिवसेना में वापसी करेंगे। तो मिलिंद नार्वेकर ने शिंदे की उद्धव ठाकरे से बात करवाई, रश्मि ठाकरे से बात करवाई, मनाने की कोशिश एकनाथ शिंदे की कि एकनाथ शिंदे को किसी तरह मना लिया जाए। रश्मि ठाकरे ने खुद उनसे बात की, उद्धव ठाकरे से भी बात करने की बात सामने आ रही है। और बड़ी बातें एकनाथ शिंदे को मनाने को लेकर जो बड़ी बातें हैं, शिवसेना के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र में मंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बागी तेवर दिखा दिए हैं। शिंदे कल अपने साथ 29 बागी विधायकों को लेकर सूरत पहुंच गए हैं। तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार की शर्त रखी है कि आप बीजेपी के साथ आइए, उसके बाद ही मैं वापसी करूंगा। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा है। संकट में उद्धव सरकार में उद्धव ठाकरे की पत्नी की एंट्री हुई है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से बात की है। छठा बड़ा अपडेट, उप मुख्यमंत्री पवार की उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई है। शिवसेना सांसद विधायकों की भी बैठक, शरद पवार भी दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने कहा कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला, कांग्रेस को विधायकों की टूट का डर। और इधर शिंदे से मिल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।